जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, आज हम राजा हिजकिया के जीवन से सीखेंगे। जब राजा हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा। और जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसके लिए इजरायली धूप जलाते थे। राजा हिजकिया इजरायल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और राजा हिजकिया के बाद जितने भी राजा हुए, उनमें से कोई भी राजा हिजकिया के समान न था, और जो उससे पहले राजा हुए वह भी राजा हिजकिया के समान न थे। राजा हिजकिया परमेश्वर यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। मेरे प्रियो, हम भी राजा हिजकिया के जीवन की इन बातों से सीखते हैं। हमें भी केवल अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना चाहिए और अपने परमेश्वर यहोवा की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए और केवल उसी से लिपटा रहना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमारे संग रहता है, और चाहे हम कहीं भी जाएं वह हमारे संग रहता है और हमारे सारे कामों को सफल करता है। मेरे प्रियो, राजा हिजकिया परमेश्वर यहोवा से लिपटा रहता था, इसका अर्थ है कि वह अंत तक परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और केवल परमेश्वर यहोवा की ही आज्ञाओं को मानता था। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि ऐसे बहुत से राजा हुए जो पहले तो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, लेकिन अंत में वे कार्य करने लग जाते हैं जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, जैसे सुलेमान, यहोशापात, योआस तथा अमस्याह जैसे अच्छे राजा अपने अंतिम वर्षों में परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन राजा हिजकिया अंत तक परमेश्वर में बना रहा। मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम प्रार्थना भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वचनों को भी ज़्यादा पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो जो हमारा प्रेम होता है परमेश्वर के प्रति वह कम हो जाता है और हम प्रार्थना भी कम करने लगते हैं, वचनों को भी कम पढ़ने लगते हैं, आलस्य में डूब जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आलस्य ये सब कुछ अंधकार की शक्ति की ओर से आते हैं। हमें ये जांचते रहना है कि कहीं हम अपने परमेश्वर यहोवा से दूर तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम पाप में किसी प्रकार के पाप में तो नहीं फंस गए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि यह अंत का समय चल रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि एक पत्रस 5:8 में इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हम अपना कीमती समय संसार की इधर उधर की बातों में ना लगाकर परमेश्वर में लगाए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें और शैतान के हर एक वार से बचे रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आत्मिक आशीषों से भरे। आमीन। जय मसीह की सभी को।